नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप दिल्ली से कश्मीर कैसे पहुंचें, कौन सी ट्रेन से जाएं, क्या टिकट होने वाली है, कश्मीर में कहां ठहरें, कश्मीर में कहां कहां घूमें, कैसे घूमें, वो भी कम से कम खर्चे में। हर एक छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही खूबसूरत जगहों पर वीडियो बनाता रहता हूं। आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दो चार दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को अब शुरू करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यह है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अभी दोस्तों रात के 8:35 हो रहे हैं, 8:50 पर हमारी ट्रेन है। दोस्तों, कश्मीर पहुंचने के लिए हमको सबसे पहले पहुंचना होगा उधमपुर रेलवे स्टेशन। अब उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन तक का टिकट लेंगे हम। जनरल टिकट से मैं जाऊँगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन तक का 195 रुपये किराया है पर व्यक्ति। जनरल टिकट मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। अब फटाफट मैं प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जाऊंगा, क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे ही हमारी ट्रेन आएगी। हमारी ट्रेन अपने सही टाइम पर यहां लग चुकी है। ठीक 8:50 पर यह ट्रेन आगे के लिए रवाना हो जाएगी। इस ट्रेन का नाम है दोस्तों उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और ट्रेन का नंबर है 12445। यह ट्रेन प्रतिदिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन जाती है। हमारी ट्रेन अपने सही टाइम पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है। यह ट्रेन दोस्तों पानीपत, अम्बाला कैंट, जलंधर कैंट, लुधियाना, पठानकोट, जम्मू तवी के रास्ते कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन पहुंचती है। सुबह के 6 बज गए हैं दोस्तों। रात में हमारा सफ़र अच्छा कटा इस ट्रेन में। बस थोड़ी देर में कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन आने ही वाला है। यह है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। इसके बाद एक रेलवे स्टेशन और आएगा, रामनगर रेलवे स्टेशन। उसके बाद हमारा रेलवे स्टेशन आ जाएगा दोस्तों कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। तुषार महाजन रेलवे स्टेशन हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। ये ट्रेन दोस्तों 20 मिनट देरी से यहां पहुंची है। 7:11 का टाइम है इसका यहाँ पहुँचाने का। ये पहुँची है दोस्तों 7:30 पर। अभी कोहरा भी बहुत है और अंधेरा भी है दोस्तों। थोड़ी देर हम रेलवे स्टेशन पर ही वेट करेंगे, उसके बाद आगे के लिए निकलेंगे। अब यहाँ से श्रीनगर कश्मीर पहुँचने के लिए हमको सबसे पहले पहुँचना होगा बनिहाल, फिर बनिहाल से हम ट्रेन के माध्यम से पहुँचेंगे श्रीनगर। आपको बनिहाल के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर से ही कैब मिल जाएंगी बनिहाल रेलवे स्टेशन तक के लिए, लेकिन दोस्तों वो बहुत किराया मांगते हैं, 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक। दोस्तों कोहरा भी थोड़ा ख़त्म हो गया है और दिन भी निकल आया है। अब यहां से हम जाएंगे दोस्तों उधमपुर बस स्टैंड। अभी सुबह के 8:30 हैं। यहां से उधमपुर बस स्टैंड की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। पैदल आप 20 से 25 मिनट में बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। यह है दोस्तों उधमपुर बस स्टैंड। यहाँ से हमें बनिहाल के लिए बस मिल जाएगी। बस में नॉर्मल ही किराया है उधमपुर से बनिहाल रेलवे स्टेशन तक का, 300 रुपये पर व्यक्ति। मैं बस में बैठ गया हूं और थोड़ी ही देर में हमारी बस बनिहाल के लिए निकल जाएगी। रास्ते में आपको एक गुफा भी मिलेगी जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। काफ़ी लंबी ये गुफा है। यात्रा के दौरान आपको बहुत ही सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे।
यह है बनिहाल रेलवे स्टेशन, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उधमपुर से बनिहाल की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। लगभग हमें 3.5 घंटा लगा है उधमपुर से बनिहाल पहुंचने में। अब यहां से हम जनरल टिकट लेंगे श्रीनगर के लिए। बनिहाल भी दोस्तों कश्मीर के अंदर ही आता है। टिकट मैंने ले ली है दोस्तों। यहां पर बनिहाल से श्रीनगर रेलवे स्टेशन तक का 45 रुपये टिकट है पर व्यक्ति। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमारी ट्रेन श्रीनगर के लिए रवाना होगी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, यही ट्रेन है जो श्रीनगर जाएगी। ठीक 1 बजे यह ट्रेन यहां से रवाना हो जाएगी। ये देखिए ट्रेन के अंदर का दृश्य। अपने सही टाइम पर ठीक 1 बजे यहाँ से रवाना हो जाएगी। बनिहाल रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। बनिहाल से श्रीनगर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर रह जाती है। बस थोड़ी ही देर में दोस्तों हमें एक टनल मिलने वाली है, बनिहाल काजीकुंड टनल। यह टनल कम से कम 8 से 9 किलोमीटर लंबी है। बनिहाल और श्रीनगर के बीच में और भी कई रेलवे स्टेशन मिलते हैं, वहाँ पर यह ट्रेन 1-1 मिनट के लिए सिर्फ रुकती है। फाइनली दोस्तों हम श्रीनगर रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। 2:45 पर इस ट्रेन ने हमें यहाँ पर उतारा है। ट्रेन में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का समय लगा है। अगर आप दिल्ली से आते हैं दोस्तों तो आपका 1 रात और 1 दिन श्रीनगर पहुँचने में ही लग जाएगा। रात को मैंने ट्रेन नई दिल्ली से ली थी उधमपुर के लिए। अब फिर दोस्तों उधमपुर से बनिहाल पहुंचा, बनिहाल से श्रीनगर। आप देख सकते हैं कितना समय मुझे यहां पे लगा है पहुंचने में। और अभी मेरी घड़ी में 3 बजने वाले हैं। अब यहां से मैं जाऊंगा डल लेक, जहां पर मैं कमरा लूंगा रहने के लिए। यहां पर आने वाले टूरिस्ट अधिकतर डल लेक के आसपास ही कमरा लेते हैं, इसलिए मैं भी वहीं पर कमरा ढूँढूँगा। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको कश्मीर की सिटी बस मिल जाएंगी डल लेक के लिए। मैं बस में बैठ चुका हूं। श्रीनगर रेलवे स्टेशन से डल गेट चौक तक का 20 रुपये किराया है पर व्यक्ति। डल गेट चौक से डल लेक की दूरी लगभग 200 मीटर रह जाती है। बस वाले ने मुझे डल गेट चौक के पास उतार दिया था, वहां से मैं पैदल डल लेक की तरफ आ गया। श्रीनगर से डल लेक पहुंचने में हमें लगभग 40 मिनट का समय लगा। यहाँ पर हम अभी शाम को आएंगे, सबसे पहले हम कमरा लेंगे। आइए दोस्तों आपको रूम दिखाता हूँ मैं। डल लेक के घाट नंबर 8 के सामने हमने कमरा लिया है। कृष्णा ढाबा नाम है इस जगह का। नीचे खाने पीने के लिए ढाबा है और ऊपर कमरे बना रखे हैं कई सारे रहने के लिए। ये देखिए दोस्तों ये रूम है, डबल बेड है दोस्तों। 2 आदमी 3 आदमी आराम से सो सकते हैं। अगर आप 3 दोस्तों तो आराम से सो सकते हैं दोस्तों। 800 रुपये का दोस्तों हमें ये रूम मिला है। बहुत ही बढ़िया कमरा आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर टीवी भी है। कमरे के साथ वॉशरूम भी अटैच्ड है। और यहाँ पर दोस्तों ठंडा पानी भी मिलेगा आपको और गर्म पानी भी मिलेगा। गीजर भी लगा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों बाथरूम, एक में ठंडा पानी आ रहा है, इसमें इसमें गर्म पानी है। गीजर भी लगा हुआ है, ये देखिए एक गीजर है। कमरे में सामान वामान रखने के बाद अब हम जाएंगे डल लेक की तरफ। ये देखिए ये है डल लेक का नज़ारा। ये जगह दोस्तों कश्मीर की सबसे पॉपुलर जगह है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये हाउस बोट है। इसमें दोस्तों कमरा बहुत महंगा है, कम से कम दोस्तों 3,000 से लेकर 5,000 के रेंज में आपको यहाँ पर कमरा मिलेगा। दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो में कितना शानदार नज़ारा है यहाँ का। आप बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है दोस्तों। इस झील में चलने वाली शिकारा का अलग अलग प्राइस है बोटिंग का, 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये, जैसे में आप बात कर लो। मैंने बात करी थी कि मुझे आधा घंटा इस झील में बोटिंग करनी है, तो नाव वाले ने मुझे
आधा घंटा इस झील में घुमाया और 100 रुपये चार्ज लिया। दोस्तों कश्मीर में दोस्तों बार्गेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको प्राइस बहुत ज़्यादा बताएंगे। मुझे पहले 500 बता रहे थे, फिर 400 बोला, फिर 300 बोला। मैंने कहा नहीं, मैं 100 रुपये दूंगा, तो दोस्तों 100 रुपये में वो मान गया। अगर आप उसे और पैसे देंगे तो आपको और भी लंबा चक्कर वो लगाएगा और भी कई जगह झील में घुमाएगा। पानी देखते हैं ठंडा है गर्म, बहुत ही ठंडा पानी है दोस्तों। हाथ सुन हो गया। अब वापस नाव वाला मुझे घाट नंबर 8 के पास ले जा रहा है, जहाँ से मुझे बैठाया था वहीं पे ले जाके छोड़ देगा। डल लेक कश्मीर का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। आप कभी भी कश्मीर आएँ तो डल लेक में बोटिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बोटिंग के दौरान आपको बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। शाम के 5 बज गए हैं, अब मैं अपने कमरे में जाऊँगा वापस। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर शाम होती है, वैसे वैसे यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे ढाबा भी है। मैंने दोस्तों खाना यहीं पे खाया था, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। ज़्यादा दूर हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जहाँ पे हमने कमरा लिया वहीं पे हमें खाना भी मिल गया। 200 रुपये की थाली में आप यहाँ पर भरपेट खाना खा सकते हैं। यहाँ पर खाना पीना खाने के बाद, आराम करने के बाद मैं अगली सुबह निकल गया गुलमर्ग के लिए। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मौसम भी साफ़ है, तो आइए आप चलते हैं गुलमर्ग, जिसे कहते हैं कश्मीर की जन्नत। ये देखिए सुबह सुबह डल लेक का नज़ारा। अभी कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। धूप निकलते ही, थोड़ा दिन निकलते ही यहाँ पे टूरिस्ट की भीड़ जमा हो जाती है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। यहाँ से गुलमर्ग की दूरी लगभग 60 किलोमीटर होगी। डल गेट चौक से हमें बटमालू चौक के लिए बस मिलेगी, फिर बटमालू चौक से हम गुलमर्ग के लिए निकलेंगे। डल लेक के घाट नंबर 8 के पास हमने कमरा लिया था, वहाँ से डल गेट चौक की दूरी लगभग 200 मीटर है। हम 5 मिनट में पैदल बहुत ही आसानी से पहुँच जाएंगे। बहुत ठंड है दोस्तों। डल गेट चौक से हमने बस नहीं ली दोस्तों, क्योंकि बस बहुत टाइम लगाती है, आधे आधे घंटे के घंटे पर आती है। इसलिए दोस्तों हमने ऑटो बुक कर लिया। बटमालू चौक तक ऑटो 100 रुपये में आसानी से बुक हो गया। हम 3 बंदे हैं। बस के लिए मुझे आधा पौना घंटा वेट करना पड़ सकता था, शायद उससे भी ज़्यादा, इसलिए मैं ऑटो बुक करके बटमालू चौक के लिए निकल गया। जितनी जल्दी हम गुलमर्ग पहुँचेंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पर मज़ा कर पाएंगे। ये है बटमालू चौक, हमें ऑटो वाले ने यहीं पर उतार दिया था और यहीं से हमें गुलमर्ग के लिए कैब बस वगैरह मिलेगी। बस आपको डायरेक्ट गुलमर्ग के लिए नहीं मिलेगी यहाँ से, आपको कई जगह चेंज करना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों आप यहाँ से कैब में ही निकल जाएँ। यहाँ से कैब टैक्सी सबसे अच्छा ऑप्शन है गुलमर्ग जाने के लिए। बटमालू चौक से आपको कैब मिल जाएंगी, जिनमें शेयरिंग में 250 रुपये किराया है पर व्यक्ति बटमालू चौक से गुलमर्ग। अगर आप आना जाना करते हैं तो आपसे 500 रुपये कैब वाला लेगा। अगर आपको सिर्फ जाना जाना करना है तो यहाँ से दोस्तों 250 रुपये तक कैब और टैक्सी में लग जाते हैं गुलमर्ग तक का। थोड़ी आप बार्गेनिंग करोगे तो प्राइस कम भी हो सकता है। अगर आप इससे भी सस्ते में गुलमर्ग पहुंचना चाहते हैं तो आप बटमालू चौक से टनमर्ग पहुंच जाएं। बटमालू चौक से टनमर्ग तक का 100 रुपये किराया लगता है शेयरिंग में। फिर टनमर्ग से आप गुलमर्ग पहुंच जाएं। टनमर्ग से गुलमर्ग तक का शेयरिंग में 50 रुपये किराया लगता है पर व्यक्ति। बटमालू चौक से गुलमर्ग तक का आपका सफ़र बहुत ही अच्छा कटने वाला है। यात्रा के दौरान आपको बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये देखिए सामने वीडियो में बड़े बड़े पहाड़ बर्फ़ की चादरों से ढकी हुई हैं। हम गुलमर्ग के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। ये गुलमर्ग की पार्किंग है, आपको कैब वाला यहीं पर उतार देगा। फिर यहां से आपको पैदल ट्रैकिंग करके पहाड़ों पर जाना होगा। अगर आपने केबल तार की टिकट ले रखी है तो आप केबल तार के ज़रिए भी जा सकते हैं पहाड़ के ऊपर। केबल तार का सरकारी रेट 800 रुपये पर व्यक्ति है। मैंने केबल तार की टिकट नहीं ले रखी थी, मैं गुलमर्ग की पहाड़ियों पर पैदल ट्रैकिंग करता हुआ जाऊंगा। पैदल चलने का भी दोस्तों एक अपना अलग ही मज़ा है। इतनी ठंड है यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि पानी जम गया है दोस्तों, नीचे पानी है दोस्तों, बर्फ़ से जम गया है। ये देखिए सभी पाइन ट्री हैं, इसे दोस्तों क्रिसमस ट्री कहते हैं। जगह जगह पर यहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई है। पैदल चढ़ाई करने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ पर गुलमर्ग की पहाड़ियों पर आपको जगह जगह पर छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पर आप
कुछ खा पी सकते हैं, जैसे मैगी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स। यहाँ पर आप घोड़े से भी पहाड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। घोड़े वाले बहुत प्राइस बताते हैं यहाँ पर, 1500 रुपये, 2000 रुपये, बहुत महंगा बताते हैं दोस्तों। आप बार्गेनिंग करेंगे तो दोस्तों ये 1000 रुपये में मान जाते हैं। मुझे भी बोल रहे थे सर घोड़ा कर लीजिए 2000 रुपये, मैंने कहा नहीं, इतना बजट नहीं है मेरा। फिर 1500 पे आए, उसके बाद दोस्तों फिर 1000 रुपये पे आए। 2000 रुपये से सीधा 1000 रुपये कम कर दिया घोड़े वाले ने। लेकिन मैं घोड़े से नहीं गया, मुझे ट्रैकिंग करने का बहुत शौक़ है। पैदल घूमने में जो मज़ा मुझे इस जंगल में आ रहा है वो घोड़े या केबल तार में नहीं आता। जितना ज़्यादा आप गुलमर्ग की पहाड़ियों पर चढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। वाव, ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है, चारों तरफ हरे भरे पेड़ और बीच में ये बर्फ़, क्या नज़ारा है। यहाँ बर्फ़ पर कई तरह की एक्टिविटी भी कराते हैं जिनका अलग अलग प्राइस है। यहाँ भी आपको हर एक्टिविटी का बढ़ चढ़ कर प्राइस बताएंगे, 500 रुपये, 600 रुपये एक चक्कर का। लेकिन दोस्तों बहुत महंगा बताते हैं, आप बार्गेनिंग करोगे तो ये लोग सस्ते में मान जाते हैं, फिर आपसे कहेंगे छोटा चक्कर लगा लो, 100 रुपये दे देना। यहाँ पर बार्गेनिंग करना तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का प्राइस बढ़ चढ़ कर बताते हैं। गुलमर्ग में एक प्राचीन शिव मंदिर भी है, जैसा कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं। गुलमर्ग की पार्किंग के पास में ही यह मंदिर है। आइए मैं आपको मंदिर के पास ले चलता हूँ। गुलमर्ग में घूमने का सबसे अच्छा समय रहता है नवंबर, दिसंबर और मई जून के महीने में। अगर आपको चारों तरफ हरियाली देखने का शौक़ है तो आप मई और जून के महीने में यहाँ पर आ सकते हैं। मई और जून के महीने में ज़्यादातर टूरिस्ट कश्मीर घूमने के लिए आते हैं। अगर आपको बर्फ़ देखनी है, बर्फ़ में एक्टिविटी करनी है, बर्फ़ में मज़े करने हैं, तो उसके लिए दोस्तों आप दिसंबर और जनवरी के महीने में आएँ। ये शिव मंदिर है, बोलो ओम नमः शिवाय। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों, अंदर शिवलिंग है। मंदिर के ऊपर से भी आप गुलमर्ग की हसीन वादियाँ देख सकते हैं। यह कश्मीर की चाय है कहवा, कश्मीर कभी भी आइएगा तो कहवा ज़रूर पीजिएगा। गुलमर्ग में आपको खाने पीने के लिए ढाबे भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको कैब वाले ने उतारा था पार्किंग में। पार्किंग के पास में ही 3-4 ढाबे हैं। यहाँ पर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो खा पी भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हर चीज़ बहुत महंगी है। जैसे 20 रुपये का पानी 40 रुपये में, 10 रुपये का समोसा 20 रुपये में। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि खाने पीने का सामान आप अपने साथ ही लाएँ। यहाँ पर मुझे 4 घंटे लगे। आपको यहाँ पर अच्छे से इंजॉय करने के लिए कम से कम 4 घंटे का समय ज़रूर होना चाहिए। अब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ दोस्तों। कश्मीर में डल लेक और गुलमर्ग के अलावा और भी 2 खूबसूरत जगह हैं घूमने के लिए, सोनमर्ग और पहलगाम। अगर आपको ये दोनों जगह भी घूमनी है तो उसके लिए आपके पास 2 दिन का समय होना चाहिए, क्योंकि आप एक दिन में एक ही जगह घूम पाएंगे। अभी दोस्तों शाम के 5:30 बज रहे हैं। अब यहाँ से मैं जाऊँगा अपने कमरे में डल लेक, जहाँ पर मैंने कमरा लिया है। फिर दोस्तों अगले दिन मैं दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊँगा। जिस तरह दोस्तों मैं आया था उसी तरह दोस्तों मैं वापस दिल्ली भी जाऊँगा। अब वीडियो को मैं ही समाप्त करूँगा। आपको मैंने इस वीडियो में सभी जानकारी दे दी है कि आप दिल्ली से कश्मीर कैसे पहुँचें, कहाँ ठहरें, कैसे घूमें, कहाँ आपका कितना खर्चा हो सकता है, वो सभी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।